नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से 26 अगस्त 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है पेंशन भोगियों के संदर्भ में, और ये मुद्दा उठाया है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके सामने। और इसके संदर्भ में इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, यानी कि उनके दो डिसीजन आए हैं, उन डिसीजनों का इन्होंने कोड करके ये मांग की है। दोस्तों, ये जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, ये 14 पेजेस का है, काफी लंबा चौड़ा है। मैं इसका सार आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसके चंद जो लॉजिक हैं उन पर प्रकाश डालता हूं। दोस्तों, ये जो केस है, एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने कोर्ट केस किया था इनहेंस्ड पेंशन के संदर्भ में, और इन्होंने पेंशन का एक एक्ट है सेक्शन 17B, उसका हवाला दिया था, उसके ऊपर ये सारा केस चला। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन क्या है, कब दी जाती है और कितने कितने परसेंटेज इनहेंस्ड होती है। पहला दोस्तों, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यहां पर 20% आपकी पेंशन इनहेंस होती है। अगर आप फ्रॉम 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स, यहां आपकी आके 10% और बढ़ जाएगी, 20 पहली और 10 और 30% इनहेंस हो जाएगी। फ्रॉम 90 ईयर्स टू लेस देन 95 ईयर्स, यहां आपकी 40% इनहेंस हो जाएगी, यानी कि 30 पहले तक हो गई, 10 और इंक्रीज हो गई यहाँ पर। फ्रॉम 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स, यहाँ आपकी 50% हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से ये आपकी पेंशन इनहेंस्ड होती चली जाएगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी। ये पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स दोनों की इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ देखिए दोस्तों, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, यहाँ 20% इंक्रीज की बात हुई है, और ये 85 ईयर से कम, यानी कि 84 ईयर एंड तक। अगले में देखिए, फ्रॉम 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स, यानी कि 90 ईयर्स से लेस देन। तो अब यहाँ लेस देन 85 ईयर्स जब ये कह रहा है, और यहाँ फ्रॉम 85 ईयर्स यहाँ कोट की है, तो इसका मतलब ये है कि 85 ईयर्स फर्स्ट जनवरी से यहाँ इनकी 30% बढ़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी फर्स्ट जनवरी जब 80 ईयर्स की एज होगी, तो फर्स्ट जनवरी से स्टार्टिंग से ही आपकी पेंशन इंक्रीज होगी। ये लॉजिक के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की SLP, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंगेस्ट डिसीजन के अंगेस्ट में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली थी, वहां से भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की SLP को कैंसिल किया, और जज साहब को फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट डे से पेंशन लागू करने का आदेश दिया। इसी तरीके से जब आपकी एज 79 ईयर्स हो जाती है, 80 ईयर्स स्टार्टिंग से ही आपकी पेंशन भी 20% फर्स्ट डे से बढ़नी चाहिए, ये मुद्दा उठाया गया है। और जो मुद्दा है उसका सब्जेक्ट है दोस्तों, ग्रांट ऑफ इनहेंस्ड पेंशन फ्रॉम द डे व्हेन द पेंशनर्स एंटर द एज ऑफ 80 ईयर्स इट ईस्ट, अर्थात द डेट आफ्टर द पेंशनर कंप्लीट 79 ईयर्स। यानी कि दोस्तों, जब एक पेंशन भोगी 79 ईयर्स की एज पूरी कर लेता है, चाहे वो पेंशनर है या फैमिली पेंशनर है, तो जैसे ही 80 ईयर्स का फर्स्ट डे लागू होता है, एज उसकी आती है, उसी समय उसको 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों की एज, जिन हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स इस एज पे पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं या पहुंचेंगे, वो ध्यान दें और अपनी पेंशन को उसी हिसाब से
एनहेंस्ड करवाएं। और ये जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।